और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर इनकी बर्थडे पार्टी के ऊपर अगर ये सॉन्ग चला है या कोई इसके ऊपर वीडियो ब्लॉग बना है तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। हम लोग इसके ऊपर बहुत ही मतलब आप बोले और हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय अजीज जी, सलाम कर रहे हैं, भेज सलाम कर रहे हो, सलाम भेज रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, सलमान खान एंड मिस्टर शमून अबे सवाल आउट हो गया। अस्सलाम नहीं नहीं क्या बोला ऐसा, दिस इज शमून वो तू बोलता है क्या, भूल जा रहा हूं। कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप लोग की फरमाइश पे हम उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। ऐसा ना करें कि हम जमीन दोज हो जाए, तो आप प्लीज लिफ्ट लगा नहीं पहुंचाते हैं। जमीन दोज हम ओनली नहीं देंगे क्योंकि हमारी वीडियोस लगातार लगातार आती रहेंगी, तो हम लोग नीचे दबते जाएंगे, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमें ऊपर पहुंचेंगे। तो अच्छा खैर, तो हम आज लेके आ रहे हैं दिल्ली की लड़की, दिल्ली की लड़की ओ पटाका, दिल्ली की लड़की ओ पटाका चले और राजा ओ, ए। तो गाइस चले पटाखा ए, ए, क्या मतलब यार? ए, याद आया मुझे कि ये सॉन्ग पटाखा बन गया। अच्छा। तो तंजीर खान का ये सॉन्ग है और सबसे तंजीर खान के साथ जोड़ी जो थी वो भूल रहे हो उसकी थी आशना, नहीं आशी 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 खन्ना, आशी खन्ना। तो ये सॉन्ग ही स्पेशली उसके लिए ही बनाया था और यूट्यूब पे अपलोड, ये इसका जाती है और नहीं हाँ, ये मतलब इसके ऑफिशियल अपने पेज पे डाला हुआ, ये कोई तीसरी जो ये इसका नहीं है सॉन्ग, तो ये आशी खन्ना के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग है। तो हम आशी खन्ना के लिए कहते हैं कि आप भी सुने और बल्कि आपने सुनी भी होगा तो आप भी सुने, आप हमारा रिएक्शन सुनिए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सॉन्ग, देखते हैं कितना दर्द है। So yeah, now skill is his name, comes as a blessing, and everybody here in this world knew that I can't sing or not be able to. शुक्रिया हर चीज के लिए, मेरी आम सी जिंदगी में ताज बनने के लिए, मेरा कल या परसों नहीं बल्कि आज बनने के लिए, अपने सारे दोस्तों की नाज बनने के लिए, जरूरत पड़ने पर इस बेजुबा की आवाज बनने के लिए, जन्मदिन मुबारक। बर्थडे के ऊपर लेके आया उसको सॉन्ग यार, मतलब मैं यार सबसे पहले बोलना चाहूंगा हम लोग जबरदस्त है यार, दिस ट्रेंडिंग यार, मैं लकी इन गर्ल यकीन नहीं हो रहा यार, इतना बेहतरीन सॉन्ग आ रही है यार, बड़ी दिल पे लग रही थी यार, यार। मैं जिस तरीके मैं डिस्क्राइब क्या करूं, मैं नहीं यकीन कर, वाकई मेरे एक्सप्रेशन इस वक्त इतने रियल है, मैं परेशान हो गया हूं यार कि कोई इस लड़की को वो लड़की कितनी
इतनी लकी होगी यार जिसके लिए सॉन्ग यार उसने मतलब मैं ये बोलूं नॉर्मल ही था यार, क्या था इसके अंदर दिख रहा है नहीं मतलब आपको दिख रहा है कैसा लग रहा है। अरे बंदे ने सिंगिंग के हल्के दो तीन शॉट लिए, बाकी लड़की के शॉट थे और खत्म सॉन्ग। लेकिन मैं बोलूं ये जो सॉन्ग है ना मेरे दिल में उतर गया अभी, क्योंकि मैं उस सॉन्ग्स के ना वर्ड को उसकी फीलिंग को महसूस कर रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा था, बिल्कुल दर्द भरा था। और ना देखो ना देखो म्यूजिक देखो ना कुछ देखो, आपसे उसके लिरिक्स पर फोकस करो एंड जबरदस्त थे वो। जिस तरीके से उसने उसको आशी को के बर्थडे के ऊपर लेके आया ना कि मैं कितना मतलब उसने उस सॉन्ग में ना पूरी मतलब अपनी कहानी भी सुनाई कि किस तरीके से हम 3 साल मिले हुए कम नहीं होने साल भी होगा लेकिन आज भी वही दिन है मोहब्बत के, बातें आजकल होती कम है लेकिन मोहब्बत हम कम नहीं होने देंगे। ठीक है तो यार मैं बोलूं यार ये तंजील को नंबर देता हूँ खत्म है बिल्कुल। और इतने रैपर्स हैं उसको टक्कर देने के लिए तंजील लगाता हूँ, तो अगर रैपर बन जाए कि मेरा बाप क्या डायलॉग तंजील टक्कर नहीं मैं कह रहा हूँ अगर लिटरली ये इसने लिखे ना डायलॉग तो सुपर है। और अगर एक डायलॉग किसी ने भी लिखे हैं उसके डायरेक्टर या उसके साथ भी जो दोस्त है बाप उसने लिखे जिसने भी लिखे डायलॉग जिसने लिखे जिसका उसी का दिमाग है सैल्यूट यार उसे, वो तंजील हो या कोई भी हो यार। और अगर तंजील ने जिस हिसाब से गाया तो तंजील नहीं है मतलब एक फेस एक्सप्रेशन और ऊपर से उसका कॉन्फिडेंट लेवल यार मतलब उसने आके थोड़ा डिबेट दी ये एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा था उसके बाद सॉन्ग एंड में जो डिबेट दी वो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या डिबेट दी मतलब यार गम भरी। हाँ गम भरी बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि वो प्यार उसको मतलब वो प्यार जाहिर करना चाह रहा है और बेइंतहा उसने प्यार जो है ना अपना वीडियो में दिखाया और लफ्जों में दिखाया और उसने जानबूझ के उसको वीडियो में शामिल नहीं किया। हाँ ये उसके पास जो उसकी वीडियोस होंगी ना मुझे तो ये लग रहा है सरप्राइज उसकी सरप्राइज भी दिया होगा उसकी बर्थडे के दिन ही अपलोड हुआ और उससे दिया हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ही क्या लड़की होगी यार मतलब आशी खन्ना भी आशी कहाँ हो तुम और देखो तंजील को मत छोड़ना इधर। अमान नहीं कह रहा ये मैं कह रहा हूँ, अमान आप कह रहे हैं आप भी यही कह रहे हैं ना तंजील को मत छोड़ो। देखिए सेकंड रिएक्शन वाले बोल रहे हैं आप तंजील को मत छोड़िएगा, तंजील जैसा आपको प्यार करने वाला शायद ही कोई नहीं, प्यार करने वाला मोहब्बत करने वाला बे इंतहा चाहने वाला वीडियोस आपके लिए बनाने वाला सॉन्ग बनाने वाला रैप क्या ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो खैर और नहीं मिलेगा आप प्लीज आप वो हमारी वीडियो सुनिए बिल्कुल हमारी वीडियो सुनिए तो प्लीज ऐसा मत करें बहुत चाहते और सबसे जो जो बड़ा एक जो बड़ा क्या मतलब मतलब मैं बता रहा हूँ जो मतलब जो बड़ा तंजील है टिकटॉक पे जब मैंने गाना सुना ना मुझे लगा कोई होगा जो टिकटॉक पे क्यों सुनूंगा टिकटॉक पे इतना हिट किया अच्छा चल ऐसी परी देखता नहीं ये वाला डायलॉग मैं आपको सुनाता हूं नहीं आप सुनाओ नहीं आप मुझे पता नहीं अच्छा मैं वैसे ही सुना रहे हो सुनाऊंगा नहीं मेरे को पता कैसे चलेगा दोबारा सुना दो चलो बोनस नहीं अच्छी बात है कहां है सॉन्ग ये भाई आ गया सॉन्ग ये जो डायलॉग है ना तो ये जो डायलॉग था ना जन्नसरी है जैसी कोई परी अदोगे इतनी हसी है सर पे चढ़ी है तू दिल्ली की लड़की है दिल पे चढ़ी मतलब दिल में बसी है दिल पे बसी ये जो जिस तरीके से उसने की फट के एक लाइन में एक रैप के थ्रू गाया ये जो डायलॉग था ना ये टिकटॉक पे इतना चला है कि इस सॉन्ग की जान ये 3 लाइन थी जिसने इसे उठाया और नो डाउट खाली ये 3 लाइन नहीं है आगे और पीछे का बहुत दमदार से हिसाब से तो पूरे लिरिक्स में जान है। ठीक है और जिस तरीके से वीडियो एडिट हुई हुई है बहुत जबरदस्त लिरिक्स जिस तरीके से शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अच्छा ताकि समझाया जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। बहुत स्लो रैप बोला है उसमें बहुत म्यूजिक तो 50-50 था लेकिन अच्छा लगा सॉन्ग बहुत अच्छा था वीडियो बहुत अच्छी एडिट हुई है और जिस तरीके से आशी तो यार मैं बोलूं बस यार नहीं कह सकता बाप कुछ नहीं कह सकता मैं तारीफ नहीं कर सकता इसकी तारीफ की हम क्या काबिल है तारीफ की यार उसने इतनी तारीफ और हम क्या और मैंने यार इस सॉन्ग के ऊपर ना बहुत ज्यादा ही हम लोगों ने जो है ना सैक रिएक्शन ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है इसकी नहीं ये तारीफ के काबिल लेकिन सही बोला है अमान ने सही बोला है कि ये तारीफ के काबिल है
तो गाइस कैसी लगी आप लोगों हमारी वीडियो, और इसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तंजील के चाहने वाले, आशिक खन्ना के चाहने वाले, वो हमारी तरफ से सैल्यूट है, वो इन्हें इतना सपोर्ट करते हैं कि और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर इनकी बर्थडे पार्टी के ऊपर अगर ये सॉन्ग चला है या कोई इसके ऊपर वीडियो ब्लॉग बना है तो आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत ही मतलब आप बोले और हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों वीडियो, तो इख्तिताम करते हैं नई वीडियो से, आप ही की वीडियो से मुलाकात करेंगे, अगली वीडियो से मुलाकात करते हैं। अल्लाह अल्लाह।